वंदे सबका सैनिक संघर्ष, सबका सैनिक संघर्ष, सबका सैनिक संघर्ष, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लगातार इस तरीके से देखिए, पूर्व सैनिक ओआरओपी 2 पर काली दिवाली आज कह रहे हैं कि आज काली दिवाली है। जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक 12 नवंबर 2023 में ओआरओपी पे 25 नवंबर की आवाज लगा रहे हैं कि 25 नवंबर को रेल रोको का आंदोलन होगा। पूरी तरीके से इंकलाब जिंदाबाद के नारे। आज दिवाली का दिन है, लेकिन जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि आज की दिवाली काली दिवाली है, क्योंकि ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए काफी कुछ करने की बात है। लेकिन अभी ये पूर्व सैनिक सैनिक एकता जिंदा के नारे लगा रहे हैं, सीधा बढ़ रहे हैं अपने धरना स्थल की तरफ। और जहां पर धरना लगता है मैं बता दूं, वहीं की तरफ उसी तरफ बढ़ रहे हैं। दिवाली के दिन भी पूर्व सैनिक, जहां प्रधानमंत्री जाकर हिमाचल के अंदर सैनिकों के साथ दिवाली मना रहे हैं, वहीं पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि उनको आरोपी में उनका हक नहीं मिला, उनके साथ विसंगतियां की गई आरोपी में। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अब जंतर मंतर पर घूम घूम कर प्रदर्शन किया जा रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं के नारों के साथ। काली दिवाली 266 दिन हो गए हैं और ये काली दिवाली कह रहे हैं इसको। 25 नवंबर के भी बात हो रही है, 25 नवंबर को कह रहे हैं कि रेल रोको आंदोलन होगा। लेकिन अब पूर्व सैनिकों को लगातार जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन जारी है, अभी नहीं तो कभी नहीं के नारों के साथ। ये कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं के साथ 25 नवंबर के नारों के साथ पूरी तरीके से जंतर मंतर में। मैं दिखा दूं आपको किस तरीके से सैनिक, पूर्व सैनिक प्रदर्शन कर रहे हैं भारत माता की जय के नारों के साथ। लेकिन ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल में जाके जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी भी पूर्व जवानों की बात नहीं सुन रहे हैं। वो आरोपी की विसंगतियों के लिए कमेटी बनाने की बात हो रही थी, उस पर भी नहीं सुन रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें तो सबको हम जंतर मंतर से जो 268 सनलाइट आ रही है मांगों के लिए बैठे हैं उनकी तरफ से आपको शुभकामनाएं और बधाई। वैसे तो हमारे को उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं जंतर मंतर पे, उनके लिए लड्डू देसी घी के लाए गए थे, पर हमारे ये देखो फौजी स्वीट स्पेशल देसी घी के बनवाए थे और फौजी मिष्ठान भंडार से बनवाए थे, और ये सपीदों से जींद से आए हुए लड्डू है जो डिमांड पे। पर हमारे प्रधानमंत्री तो नहीं आए, पर हमारे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रधानमंत्री प्रधान, हम इनको प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 14 साल से जवानों की जायज मांगों के लिए संविधान के दायरे में संवैधानिक अपनी मांगों के लिए आगे चल रहे, और ऐसे प्रधान हैं जो हमेशा 10 महीने से नहीं पिछले 14.5 सालों से घूम जाओ सनलाइट आ रही है, ऐसे घूम रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे, थोड़ा ऐसे घूम जाओ, सनलाइट आ रही है इधर की तरफ। रैंक वन पेंशन की बात हो, उस समय भी 13 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल करी थी, उसके बाद में रामलीला ग्राउंड की बात हो उस समय भी इन्होंने भूख हड़ताल करी थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पानी की टंकी पे चढ़ने की आत्म हत्या की कोशिश हो जवानों की जायज मांगों के लिए तब भी ये चढ़े थे, व्यास की टंकी पे भी ये चढ़े थे, इंडिया गेट पे कीटनाशक दवाइयां भी पी थी पिछले 14 साल से। एक ऐसे प्रधान जिनको हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने सरकारी हथकड़ियां पहनी है पर सरकारी चूड़ियां नहीं पहनी है। विजय भाई इस तरफ प्रकट साहब की तरफ दिखा दो, प्रधान वो होता है जो हर समय अपने जो संघर्ष के हैं उसका नेतृत्व करे, उनके साथ में रहे, अगर कोई बात हो, अगर गिरफ्तारी की बात हो, अगर लाठियां खाने की बात हो तो लाठियां खाए। प्रकट साहब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जिस समय से आप यहाँ 10 महीने से चल रहे हो, और हमने ये भी बताया कि तरण तारण यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, और एक 95 साल के बुजुर्ग किस तरह से यात्रा करके यहाँ तक पहुँचते होंगे, नहीं तो हमारे भाई तो यहाँ से
10 या 20 किलोमीटर पे बैठे हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 60 साल के जो बुजुर्ग हैं उनका आधा किराया है रोडवेज में, पर वहां तक आने के लिए दम चाहिए, लातों में दम चाहिए उसको कहते हैं। विजय भाई थोड़ा आगे, पहले तो मैं हमारे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल स्पोक्स पर्सन नलिन तलवार जी, आप अपने सर प्रकट साहब ये रखेंगे, प्रधान जी आए हुए हैं, तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रधान जी, हाँ 25 नवंबर के लिए, और सरकार को एक दर्द भरी अपील, एक विनती या कुछ भी लगा लो माननीय प्रधानमंत्री को। प्रधान होने के नाते आप पहले भी बहुत अपीलें की हैं प्रधानमंत्री साहब को, आज फिर दिवाली के दिन प्रधानमंत्री साहब को अपील करता हूं, बड़े जोर से अपील करते हैं दोनों हाथ जोड़कर के प्रधानमंत्री जी, अभी तो हमें 9 महीने पूरे हो गए, 3 या 4 दिन बाकी हैं, तो आप हमारा कितना इम्तिहान लेंगे, इसलिए मैं और मेरे साथी आपको अपील करते हैं दोनों हाथ जोड़कर के हमारी छोटी सी एक मांग है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक कमेटी बनाना है, वो 3 महीने में जितने भी संगठन उनको कुछ बताना चाहते हैं उनसे बताएंगे, और वो अपनी सही महीनों में जो वो समझेंगे वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को देंगे, तो वो जो रिपोर्ट होगी वो लागू तो प्रधानमंत्री जी आपने ही करनी है, तो आप ये हमारी छोटी सी मांग को जरूर स्वीकार करें। मैं प्रधान जी आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकार नहीं मानती है, क्योंकि अपील करते करते भी थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना थोड़ी सी कड़वे भी दो शब्द, अभी जैसे हमने बहुत इंतजार किया है यहाँ जंतर मंतर पर भी, उससे पहले सबका जो वाले हैं हमने तकरीबन 14.5 साल से ऊपर समा हो रहा है, तब से गवर्नमेंट के पास बड़े ठरमे से अपनी मांगों के बारे में बताया हुआ है, लेकिन अभी मैं गवर्नमेंट को यही बताना चाहता हूँ, मोदी साहब अगर आप 24 नवंबर तक कर आप हमारी मांग मान लेते हैं तो हम उसी टाइम यहाँ पर पहले की तरह आराम से काम करना शुरू कर देंगे, अगर आपने अभी हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया तो उसके बाद में फिर रेल रोको के पश्चात कुछ दिनों में ही कुछ ना कुछ और भी करेंगे, सो मैं फिर दोबारा अपील करता हूँ कि आप सभी बातों को सोच विचार करके हमारी मांगों को जरूर मानेंगे। सैनिक भाइयों नमस्कार, एक बार आपने देखा होगा हमारे सूबेदार प्रकट साहब को।